बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, कैसे हो यो? क्या आप सब खैरियत से होंगे? अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ भी हों खैरियत से हों। मुत्तहिदा अरब अमीरात की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद मोहम्मद शाहिद इकबाल। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शाहिद इकबाल। इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। न्यूज़ ये है कि कौन से गैर मुल्की इस वक्त वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। आपको पता है कि हम आजकल वर्क पर जो मीडियोज़ हैं वो आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज़ है ये। इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। कौन से गैर मुल्की वर्कर इस वर्क परमिट को हासिल कर सकते हैं? अगर आप काम के हवाले से मुतहदा अरब अमीरात वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आई सी ए ने ख़ास कैटेगरी के वर्कर्स के लिए वर्क परमिट जारी करने का आगाज़ कर दिया है। आई सी ए ने मुतहदा अरब अमीरात से बाहर मौजूद कारकुनों के लिए कैटेगरी के वर्कर्स के लिए वर्क परमिट जारी करने का आगाज़ कर दिया। आई सी ए ने मुतहदा अरब अमीरात से बाहर मौजूद कारकुनों के लिए वर्क परमिट जारी करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से बाकायदा ऐलान 5 अक्टूबर को किया गया था। इस हवाले से जारी बयान में कहा गया था कि सरकारी डिपार्टमेंट और सेमी सरकारी डिपार्टमेंट वर्कर्स के लिए परमिट जारी कर सकते हैं। अथार्टी की जानिब से ये भी ऐलान किया गया कि ये वर्क परमिट मुतहदा अरब अमीरात आने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए जारी किए जाएंगे, जबकि एस्पायरिंग फैमिलीज भी अपने लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैटेगरीज के लिए वर्क परमिट जारी किए जाएंगे उनमें हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और सैनिटेशन शामिल हैं। वादा रहे कि मुतहदा अरब अमीरात ने 19 मार्च 2020 को हर किस्म के वर्क परमिट जारी करने के अमल को मुअत्तल कर दिया था। यह इकदाम कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शुरू किया गया था। तमाम आहिस्ता आहिस्ता इससे भी पाबंदी उठा ली गई है। अगरचे मुल्क मुल्क से बाहर मौजूद नए वर्कर्स को वर्क परमिट जारी नहीं किए जा रहे थे, तमाम अथॉरिटी ने इन वर्कर्स के वर्क परमिट ने जदीद का जो है अमल जारी रखा, यानी तजदीद का अमल जारी रखा जो पहले ही मुतहदा अरब अमीरात में मौजूद थे। वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए वर्कर आई सी ए की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहाँ वो वर्क परमिट के हसूल के लिए बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। कोरोना कवानीन के मद्देनजर रखते हुए मुतहदा अरब अमीरात से आने वाले वर्कर्स के टेस्ट भी किए जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है। जो मुतहदा अरब अमीरात में मौजूद हैं उनके लिए वर्क परमिट जो है शुरू हो चुके हैं, और उन्हें कैसे अप्लाई करना है आई सी ए की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करें, इसकी वीडियोज़ भी इंशाल्लाह हम अप्लाई करने की आपको बता देंगे। लेकिन इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, काफ़ी सारे अलहमदिल्ला लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन करें और ज़रूर फ़ायदा हो रहा है। देखते रहिए शायद वाले यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए सब्रे साथ, तब तक इतना ही दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।